हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ शुभेंद्र सरकार और हर दिन की तरह आज भी एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे पर्सनली बताते हैं कि किस चीज़ के ऊपर और वीडियो करना चाहिए। तो किसी मित्र ने मुझसे बताया था कि एक रूपक ताल के ऊपर जो मेन ठेका है वो कैसे बजाएंगे, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, ती ती ना धी ना धी ना 1 2 3 4 5 6 7 7 बीट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ती ती ना धीना धीना है, अगर इसको हम गाने के साथ या फिर संगत में बजाएंगे तो उतना सही नहीं लगेगा। तो संगत में बजाने के लिए जो मेनली जो ठेका है वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए पहले थोड़ा सा नॉर्मली देख लेते हैं जैसे कि गानों में बजता है। संगत करने का जो छोटा सा तरीका, बाकी कई सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बजाते हैं, लेकिन जो मैंने जो फील किया है वो कुछ इस तरीके से है। नाना दीदी नाना दीदी नाना, लेकिन हम इसको जब बजाते हैं तो कैसे कैसे इन बोलों को सजाते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा जैसे कि हम गाने में गमक मुर्की खटका जमजमा घसीट सब लगा के सजाते हैं, उसी तरीके से हम तबले में भी बोल को अपने तरीके से सजाते हैं। देखिए कैसे तिन तिन तके तिन तिन तके नाना दीदी नाना दीदी नाना तिन तिन तके नाना तके दीदी नाना दीदी नाना। आप लोग देख रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि तीन तीन नाना दीदी नाना दीदी नाना तो कहीं से कहीं तक नहीं बज रहा है, बज कुछ और ही रहा है, हम बोल कुछ और रहे हैं। जैसे कि तीन तीन नाना दीदी नाना दीदी नाना तीन तीन नाना। तो आइए चलिए इसको स्लो में करके देखते हैं कि होता क्या है और हो क्या रहा है। सबसे पहले हम बजाएंगे तीन 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 तीन। देखिए यहाँ पे भी छोटा सा डायनेमिक स्टोन तीन तीन देखिए यहाँ पे दो ता का उपयोग हो गया एक साथ ही, ताता या फिर नाना आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए दीदी का स्टाइल ऐसे नहीं बजाएंगे, ऐसे बजाएंगे तो दीदी हम बोल ऐसे रहे दीदी नाना, लेकिन धी धी नाना इस तरीके से जो ये गमक है वो डग्गे से निकालेंगे। नाना के साथ पहले वाला जो ना है उसके साथ एक गे जुड़ गया, लेकिन वो बहुत ही सिंपली और सुनाई ना देने वाला गे है, म्यूट गे बोल सकते हैं। छोटे छोटे डायनेमिक्स होते हैं, ये सीखने की चीजें होती है, बाकी तो सब बजाते ही हैं। अगर हम इसको ऐसे बजाएंगे तिन तिन ना ना दी दी ना ना दी।
अच्छा लगेगा और बजता भी ऐसे ही है। लेकिन अगर आप सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप अपने तरीके से और मॉड्यूलेशन उसको मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे तीसरे बोल जोड़ने पड़ेंगे। आपको बोल जोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, और छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, तीन टुकड़े तथा के, ये सब ये जो होता है, जैसे कि मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ, आप अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। बाकी हर दिन की तरह ये बोलूंगा, कमेंट बॉक्स पे कुछ भी आप कमेंट जो तबले से संबंधित हो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का वीडियो ये तक, धन्यवाद।